प्ले और नॉट? यस प्ले। हमारे सुबह सुबह को नमाज सबक यहाँ पे कुत्ते खिलाने आ जाते। टाइम देख लें 6:13 हो गया, वो 7 बजे से लेके शाम 7 बजे की आज शिफ्ट है जो कि 12 घंटे की है। तो 1 घंटा पहले ही निकलना पड़ता है। 35 से 45 मिनट्स लग जाते हैं यहाँ से, इसलिए थोड़ा टाइम से निकलना पड़ता है, क्योंकि जो नाइट वाला बेचारा बैठा होता है उसको होता है कि टाइम से आए तो उसको रिलीव मिल जाए। कार पार्किंग यहाँ पे रोड पे होती है, बहुत रेयर चांस होते हैं कि किसी के अपने दरवाजे के सामने हो कुछ स्पेसिफिक, जैसे ये ऐसे नहीं होता, बहुत कम। मशीन है टेम्परेचर चेक करने वाली, देखना इसके सामने। नॉर्मल टेम्परेचर पास। पास हूँ मैं, कह रहा टेम्परेचर आपका नॉर्मल है। वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ एहतशाम आज़म। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा अभी अंधेरा, तो इस वजह से थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने कहा बाकी बातें आपसे यहाँ पे आके करता हूँ। तो इंसान की कहीं ना दुआ कबूल हो रही होती है। मैं जब पाकिस्तान में था तो कोई भी बात होनी तो अम्मी ने कहना मैं कहती हूँ आप आर्मी में हो जाओ। एक्चुअली अब्बू ने भी आर्मी की जॉब की हुई है, इस वजह से फिर अम्मी को होता था कि बस जॉब, हमेशा अम्मी ने ये बस जॉब, बिज़नेस वाला तो कोई सीन ही नहीं था ना। अक्सर अम्मियों का यही हाल होता है, बस जॉब हो जाए, कोई डजंट मैटर पैसे कितने हैं या कितने बनेंगे। तो वो अब ये आर्मी वाला हिसाब हो गया। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म है वो भी वैसे ही है, क्योंकि मुझे पता है मैं अबू के साथ रहा हूँ 2 साल उधर हॉस्टल में, तो आर्मी का मुझे सारी रूटीन का पता, सेम रूटीन होती थी। सुबह इसी तरह उठना, उसके बाद इसी तरह यूनिफॉर्म पहनना, और बाद में उन्होंने एक्सरसाइज करनी, फिर जाके बाकी काम काज। तो हमारा भी, मुझे भी वो सीन याद आ गया। तो वो खैर आज की जो वीडियो होगी वो सारी इसी टॉपिक पे होगी कि मैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी की जॉब करता हूँ उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, और उन सिक्योरिटी होती किस तरह की है यहाँ पर। तो अभी तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, तो इसके बाद फिर जब मेरा पेट्रोल होगा वो दिखाऊंगा कैसे होता है, और कितनी देर के बाद पेट्रोल करना है, कितनी देर के बाद दूसरे बंदे को रिलीव देना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से सिर्फ हमें जो चीज़ें मुहैया की गई हैं वो ये हैं कि आप टी बना सकते हैं यहाँ पर, कॉफ़ी बना सकते हैं, और ग्रीन टी हो सकती बना सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अपना लंच ले आएँ तो बैठ के आप खा सकते हैं। ये फ्रिज और साथ डिश वॉशर है, तो फ्रिज खोल के दे, फ्रिज में सिर्फ अगर कोई लंच लेके आया अपना तो वो पड़ा होगा, और कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको दूध और साथ में ये बटर होता है जो कि ब्रेड के लगा के आप खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेड मेकर है, उसके बाद टी बैग्स हैं, साथ शुगर है। यहाँ पे आपने अपना कोई भी बर्तन है वो खाना पीना धो के फिर रख के जाना आपने। उसके बाद यहाँ पर ये हॉट वाटर के लिए, अगर टी बनानी है तो हॉट वाटर यहाँ से लें और उसमें टी बैग डालें और शुगर डाल के उसके बाद दूध डालें, लेकिन वो मज़ा। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा इसके अंदर दूध डाल के, टी बैग डाल के, उसके बाद जो शुगर है वो तो ओवन के अंदर बनाता हूँ, वैसे मज़ा नहीं आता दूसरा उसका। माशाल्लाह के साथ ये मज़े सी दाल जो अम्मी ने भेजी थी। और ये हमारा मेन रूम है, ये पीछे कैमरा, इसकी स्क्रीन है, सारा जो कंट्रोल है उसका। ये दूसरा पीछे वायरलेस, ये चार्जर जो है ना उसका, जब ख़त्म हो जाए तो आप ऐसे उधर रख दीजिए, चार्ज हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे ये सारा कैमरा, इसका जो कंट्रोल है, इसको आप इससे आप जूम कर सकते हैं, इन आउट और दाएँ और बाएँ सारा। तो यहाँ पर सिर्फ ये एक चेयर है, यहाँ पर सिर्फ आपने बैठ के तो इनको वॉच करना है, जो उस गेट पर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। 2 घंटे वहाँ पे बैठना होता है, 2 घंटे यहाँ पे, जो यहाँ पे होता है बंदा। अब मैं निकलूँगा यहाँ से 8 बजे, मेरा पेट्रोल होगा जो कि बुगी पे करना है, बुगी आपको दिखाता हूँ मैं। पेट्रोल करके मैंने उधर चले जाना, वो बुगी लेके चार्ज उसको नीचे लगा देंगे और आके ऊपर बैठ जाएंगे। फिर 2 घंटे के बाद वो वहाँ पर मेरे पास आएंगे और मैं फिर यहाँ पे आ जाऊँगा। तो इस तरह ये हमारी जो शिफ्ट है ये चलती रहती है। तो आज की सारी रूटीन मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे हम जो है एक दूसरे को रिलीव देते हैं। अपना मेरा पेट्रोल है तकरीबन 20 मिनट का,
तो पेट्रोल कैसे करते हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। इसको ऑन कर लिया मैंने, इसकी पहले लाइट्स ऑन करूँगा, ये सामने। अब इसका गियर जो है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है, बैक गियर अगर करना है तो जी इट मीन्स के बैक गियर लग गया, और ये जो है स्टॉप ख़त्म हो गया। ये पेट्रोल होता है, इस पे बैठ के जस्ट आपने एक इंटरनल पेट्रोल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। आपने जस्ट जो स्पेसिफिक इन्होंने बताया होगा मुझे उस पे आपने जाना है और चीज़ों को देखना है बस, और देखते ऐसे ही आपने वहाँ पे पहुँच जाना है। ये पेट्रोल है, खैर इसमें ड्यूटी कम और ड्राइविंग का मज़ा ज़्यादा है। अभी स्टार्ट है लेकिन फिर एक टाइम आएगा फिर रोज़ इस तरह तो बंदा कहेगा यार, ज़ाहिर है रोज़मर्रा जो आपकी रूटीन होती है उससे फिर बंदा थोड़ा सा उकता जाता है, लेकिन ये है कि ठीक है एंजॉयमेंट होती रहती है थोड़ी बहुत। तो ये सारा पेट्रोल होता है बुगी के ऊपर जो आपने करना है। यार इस पे ना व्यू बड़ा अच्छा है, और ये कटिंग देखें कितनी अच्छी की हुई है उन्होंने, सूरज निकल आया है तो रोशनी फैली है तो थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो लड़का है अब इसको रिलीफ दूंगा, ये ले कर जाएगा। तो पेट्रोल करके मैं यहाँ पे आ गया, अब ये वाले रूम में यहाँ पे भी ये एक्सेस है पूरी सारे कैमराज की, और वो जो गेट नज़र आ रहा है आपको वो बैक गेट है, ठीक है इसकी एक्सेस अगर कोई वहाँ से, क्योंकि वीकेंड पे सिर्फ दो बंदे होते हैं, एक मेन रूम में और एक यहाँ पे। जो बैक गेट का कंट्रोल है वो भी यहाँ पे ही है, इसके ऊपर से जो है ना ये जो है इसके ऊपर पासवर्ड है सारा, वो हम ओपन कर सकते हैं। तो अब 2 घंटे यहाँ पर बैठूँगा और वो 2 घंटे वहाँ पे, उसके बाद फिर वो बुगी लेके यहाँ पे आ जाएंगे और फिर मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो इसी तरह ये चलता रहता सारा। एक फ्रेश फीलिंग आती है, ये राइट साइड पे है मेरे। यहाँ पे सम टाइम जो है ना लोग आते हैं वो बोट को एंजॉय करने के लिए। ये देखें खुद ही चला रहे हैं, इस साइड पे उनका ऑफिस है, ये यहाँ से वो उनका कोई ना कोई बंदा साथ बैठता है। और ये देखें जब इसमें पानी होता है ना तब भी वो करते हैं बोर्ड का इस्तेमाल। अभी देखें यार यहाँ ना मौसम का पता चलता ना इसके पानी का, पानी सारा खुश्क हो गया। ये मैंने जो इंटरनल पेट्रोल है वो ख़त्म किया, अब मैं एक्सटर्नल कर रहा हूँ। तो 2 पेट्रोल होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है। तो आप ये पीछे व्यू देखें, इसकी सफाई देखें, और ये जो पौधों की कटिंग की हुई है ये कमाल हर चीज़। ये सामने की ये मेन रोड है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल पेट्रोल का 2-4 आगे से जाके वो टर्न है और उसके बाद उधर चले जाना बस। प्ले और नॉट? यस प्ले। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे ये रिवर्स गियर था अंधेरे से शुरू किया था और अंधेरे में एंड कर रहा हूँ, फिनिश हो गई है अब। तो ये सारी जॉब है सिक्योरिटी का, जो आपको बताने का ये मकसद है कि देखें पैसे ही कमाने हैं हमने, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है या कोई भी जॉब करता है। तो पैसे अगर आपने उतने ही कमाने हैं जितने आपने दूसरे काम करके कमाने हैं, इवन कि सिक्योरिटी में आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप उधर इधर जलील हों दूसरी जॉब्स में, आके सिक्योरिटी का लाइसेंस लें। एक वीडियो ये भी बना दूंगा लाइसेंस कैसे लिया जाता है, और इसमें आपके पास आवर्स भी होते हैं और आपको एक अच्छी जॉब भी मिलती है, आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। उसके बाद आपको जो ट्रीट किया जाता है एज अ इंसान ट्रीट किया जाता है, जो कि अमूमन यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारा बताने का मकसद, आपने देख लिया सारा काम क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं, आप अपना कोई भी काम करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। तो पैसे भी दूसरे कामों से बेहतर, आवर्स भी बेहतर और रेट भी बेहतर, ठीक है। तो ये सारा जो मकसद था बनाने का, मोटिव था वो यही था सिर्फ, इसमें शो ऑफ करने वाला कुछ नहीं था। और जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ या बनाऊँगा उसमें कुछ ना कुछ बताने का ये मकसद है कि इस तरह लोग प्रिपेयर होके आएँ और इस तरह ये करें, ताकि जो हम फेस कर रहे हैं, एक बंदा मैं कर रहा हूँ ना,
या दूसरे कोई कर रहे हैं, लेकिन उससे दूसरे सीखें कि हमने क्या करना है। तो खैर, आज की वीडियो का यहाँ पे ही इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।